मानव समाचार मानवता के हक में। 14 मई की रात को लगभग एक से डेढ़ बजे के दौरान 8.5 साल की बच्ची को उसके रहते घर से किसी ने उठा के लेके गया का प्रकार वर्नेर पुलिस स्टेशन की हद्दी में अजंग गांव में हुआ था। 15 मई को इसी लड़की का मृतदेह गांव के नज़दीक नदी के पात्र में कुएं में पाया गया। उसके चलते माननीय जिला पुलिस अधीक्षक सर ने स्पॉट पे विजिट किया था। इस प्रकरण का सीरियसनेस देखते हुए एसपी सर ने इसमें विशेष तपास पथक भी स्थापन किया था। विशेष तपास पथक के दौरान इस गुने के सिलसिले में 2 आरोपियों के नाम सामने आया। वो आरोपियों के सिलसिले में पुरावे इकट्ठे करके वो दोनों को भी हमने अरेस्ट की है। इसमें ऐसा देखा गया है कि ये फिरियादी और आरोपी इनके मकान एक दूसरे को लग के है, इसके चलते उनमें 1.5 साल से कुछ झगड़े भी हो रहे थे। वो झगड़ों के कारण के चलते ये गुनाह उसमें बच्चे के साथ हुआ है। इसी के चलते जो 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उनको हमने कोर्ट के सामने हाजिर किया था। कोर्ट ने उनका PCR मंजूर किया है, वो अभी पुलिस हिरासत में है। पुलिस उनकी तरफ ज़्यादा तपास और कर रही है। इस सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह सोशल मीडिया पे कोई भी ना फैलाए, किसी भी तरीके से कानून अपने हाथ में लेने का कोई भी प्रयास न करे, बस यही हमारा आह्वान है।